नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। लोकेशन संभल, एक रिटायर फौजी शादी का झांसा देकर भागा लाखों रुपए और जेवरात लेकर। जनपद संभल के थाना व कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के गांव रसूलपुर में मुन्नी देवी के यहां एक रिटायर फौजी पीके शर्मा आने जाने लगा और दोनों तरफ से घुल मिल गया और काफी समय के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रिटायर फौजी पीके शर्मा ने एक दिन कहा कि कुछ पैसे का इंतजाम कर लो और किसी जगह कोई दुकान डाल लूंगा जिससे हमारा तुम्हारा गुजारा होता रहेगा। मुन्नी देवी ने तुरंत 5 लाख रुपए और 2 किलो 500 ग्राम चांदी व कुछ सोने के जेवरात निकालकर दे दिए। बताया जा रहा है कि वो रिटायर फौजी पीके शर्मा मुन्नी देवी व उसके बच्चों को छोड़कर और सारा पैसा और सोना चांदी जेवरात लेकर भाग गया। इसकी रिपोर्ट थाना व कोतवाली गुन्नौर में की, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई। और फिर संजय शर्मा ने, दरोगा जी, उनने फैसला कर लिया और मैं थाने गई तो मुझे गाली देते हैं, डांटते हैं और भगा देते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। कौन सा गाँव है ये? रसूलपुर। क्या मामला है पूरा ये तुम्हारा? जी सर, मैं दूध बेटी बच्चों को पालती हूँ। पीके शर्मा यहाँ दूध लेने आते 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 वो यहाँ मिलजुल गए बच्चों में। उसके बाद मेरे पति का एक्सपायर हो गया, उसमें पैसा मिला तो उन्होंने कही कि मैं तुम्हारे लिए प्लाट ले देता हूँ। प्लाट लेने के बहाने मेरे से ले लिए 11 लाख रुपए। सर, 2015 में लिए थे, आज 5वीं साल है। मैंने पिछले साल से पैसा मांगना शुरू किया तो दिया नहीं, अलवराई करते रहे। अभी 15 तारीख को आके मना कर दिया। मैं उनके घर गई पैसे लेने तो उनके बच्चों ने मार तोड़ करी, मेरी बेइज्जती करी। और फिर संजय शर्मा ने, दरोगा जी, उनने फैसला कर लिया और मैं थाने गई तो मुझे गाली देते हैं, डांटते हैं और भगा देते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। थाने के अलावा और कहीं गई थी क्या? जी, बैजू गई थी। बैजू किसके पास? कप्तान जी के पास। क्या बात हुई उनसे? कप्तान साहब के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया। कप्तान साहब ने कही कि परसों तीसरे दिन आप रिपोर्ट ले लेना अपनी। वहाँ रिपोर्ट लेने में थाने में गई तो थाने वाले कहते हैं मेरे से कि आप सिखा के भेजियो किसी ने। तो मैं, सर मेरा ही माल गया, मुझे कौन सिखाएगा, इतना कहा और गाली गलौज दी और भगा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौन सा गाँव? मेरा शोहरा है। क्या मामला है इनका ये पूरा? इनका यही मैटर है कि यहाँ पर आते जाते इनका पैसा पाई था, वो उनके इंटर पहुँच गया, वो अपने घर बैठ गया, कोई सिपाही नहीं लग गया।